आज का वीडियो सीजनल वीडियो है, जो करंट हमारा मौसम बाहर चल रहा है यानी कि हॉट ह्यूमिड मॉनसून सीजन में आप कैसे मेकअप कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ, मॉनसून सीजन में कौन कौन से स्टेप करें और कौन कौन से स्टेप अवॉइड करें अगर जानना चाहते हैं, और ये मेकअप भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और इससे पहले कि आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, किसी भी तरह का मेकअप करने से पहले क्लीन फेस होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पर अपना फेस वॉश कर लिया है। मेकअप के फर्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे एक टोनर। अगर आपके पास नहीं है तो आप गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपके जो पोर्स हैं वो इस बरसाती सीज़न में पोर्स क्लॉग नहीं होंगे, ठीक है, और आपका पीएच बैलेंस भी बना रहेगा। स्टेप टू में हम यहाँ यूज़ करेंगे एक मॉइस्चराइज़र। इस बरसाती सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में, आप एक ऑयल फ्री वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें तो अच्छा है। हेवी वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो वो आपके फेस को चिपचिपा कर देगा, हेवी हेवी फील कराएगा। एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, मैंने यहाँ पर न्यूट्रोजेना यूज़ किया है, ये 72 आवर्स का हाइड्रेशन देता है। मेरे अंडर आइज़ थोड़े से ड्राई हैं तो मैं यहाँ पर सेम, देखिए कितना कम क्वांटिटी मैंने लिया है, और सेम उससे मैं अंडर आइज़ पे हल्का सा मसाज कर रही हूँ, ताकि आगे कोई भी प्रोडक्ट हो वो यहाँ क्रीज ना करे। मेरे पास अंडर आई जेल भी था, बट मैंने यही लगाना प्रेफर किया बिकॉज मैं लेयर अप नहीं करना चाह रही थी। लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ कर लूँगी, नहीं तो लिपस्टिक्स वगैरह कुछ भी लगाए तो अच्छा नहीं लगेगा। सो स्टेप थ्री में हम यहाँ लगाएंगे प्राइमर। अब प्राइमर क्यों ज़रूरी है? प्राइमर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्राइमर आपके मेकअप और आपके स्किन के बीच में बैरियर का काम करेगा, ठीक है, स्वेट कंट्रोल करेगा, आई एम फोकसिंग ऑन माई टी जोन, और जो है लंबे समय तक आपका मेकअप टिका रहेगा, ठीक है। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंगली कोई सा भी ले सकते हैं प्राइमर। स्टेप फोर में मैं यहाँ पर ले रही हूँ कंसीलर। अब जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, इन समर्स और इन मॉनसून्स लेस इज़ मोर, ठीक है, फाउंडेशन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कंसीलर। उसके लिए मैंने लिया है मेबेलिन का एज रिवाइन कंसीलर, मेरा शेड इसमें मीडियम है। और अहम स्टेप नंबर 5, आप ब्यूटी ब्लेंडर में, मैं यहाँ पर, ये मेकअप फिक्सर है, मैं ब्यूटी ब्लेंडर को मेकअप फिक्सर से स्प्रे करूँगी, वेट करूँगी। इससे क्या होगा, इससे आपका मेकअप इसी स्टेज पर जो है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है, लंबे समय तक टिका रहेगा, मेकअप फैलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा। सो ये वाला स्टेप बहुत अहम है इस सीज़न में, यानी कि मॉनसून सीज़न में मेकअप करने के लिए। आप सेम स्टेप्स को फॉलो करके गर्मियों में भी मेकअप कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है तो, ठीक है। सो जैसा मैंने कहा, लेस इज़ मोर। सो इस सीज़न में जो है फाउंडेशन अवॉइड करें आप तो ज़्यादा बेहतर है। कंसीलर बहुत अच्छा वर्क करता है आपके बेस मेकअप के लिए, आपके जितने भी हल्के फुल्के दाग धब्बे, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, इम्परफेक्शंस हैं, वो सब तो कवर अप करेगा ही, साथ में आपको बहुत अच्छी एक कवरेज भी मिलेगी। तो वाइजली अपना कंसीलर चुनो और उसी से इस सीज़न में अपना बेस बनाओ। हेवी फाउंडेशन लगाने की आपको एक्चुअली में कोई ज़रूरत नहीं है, उससे आपका जो है ना केकअप लगेगा, ठीक है। अब देखो, मैं एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं ले रही, जितना मेरे ब्लेंडर में बचा है अब मैं उसको पूरे फेस पे इस तरह से डैब 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 करूँगी, तो क्या होगा, इवन टोन मेरा फेस हो जाएगा। आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कितना बढ़िया से ये सारा ब्लेंड हो रहा है। ईयर लोब्स को नहीं छोड़ना, नेक गर्दन एरिया को भी नहीं छोड़ना है। ये देखिए, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई बेस, इवन टोन है, बिल्कुल कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं है, गंदा पैची नहीं लग रहा। समहाउ मुझे मेरे आईलिड्स अभी भी थोड़े से पिगमेंटेड लग रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कंसीलर अपने फिंगर टिप पे ले रही हूँ और उसी से मैं अपने आँखों के ऊपर लगा रही हूँ ताकि इवन आउट हो जाए, और ब्यूटी ब्लेंडर एक बार चला लूँगी ताकि कोई भी प्रोडक्ट एक्सेस ना रह जाए, ठीक है, एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर में एब्जॉर्ब होता है। अब एक और अहम स्टेप,
नेक्स्ट स्टेप में आईब्रोज फिल करने के लिए इस मौसम में या तो आप कोई आईब्रो पेंसिल ले लीजिए या फिर इस तरह का ब्राउ पोमेड या ब्राउ जेल, ठीक है। आई एम गोइंग अहेड विथ पैक का आईब्रो क्रीम। पाउडर प्रोडक्ट का गलती से भी इस्तेमाल मॉनसून सीजन में ना करें, क्योंकि देखिए हवा चलता है, आंधी चलती है, पानी का छींटा वीटा लगता है, छतरी नहीं है, गीले हो जाओगे तो आईब्रोज जो है वो सारा आपका धुल के बह जाएगा। सो इस तरह का प्रोडक्ट लगाओगे, इससे क्या है नेचुरल फिनिश भी आएगी, लॉन्ग लास्टिंग होएगा और टिका रहेगा, ठीक है। टस से मस नहीं होंगे आपके आईब्रोज। ये देखो आईब्रोज भरने से ना चेहरे का डायमेंशन ही बिल्कुल अलग हो जाता है। सो नेक्स्ट स्टेप ब्लशर। अब ब्लशर के लिए क्रीम या पाउडर ब्लशर बिल्कुल भी नहीं, एक लिक्विड ब्लशर का आप यूज़ करें। और जो आपके पास लिक्विड ब्लशर नहीं है तो इस तरह का लिक्विड लिपस्टिक का भी आप यूज़ कर सकते हो, जिस तरह मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। जिस तरह का भी आपने ड्रेस पहना है उससे मिलता जुलता कलर का लिक्विड लिपस्टिक अगर आपके पास है तो यू कैन यूज़ इट वेरी वेल एज योर ब्लशर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके बिल्डअप करिए, एक बार में भर के लगा लोगे आप तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। सो लिक्विड ब्लशर्स जो है, लिक्विड लिपस्टिक्स जो है, अगर आप ब्लशर के तौर पे लगा रहे हो तो वो फिंगर टिप से भी ब्लेंड हो जाते हैं। आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा नेचुरल फिनिश पसंद है, बिल्कुल इस तरह से है ना, लगाया है और ना लगाया है ऐसा लुक आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने ये थोड़ा सा लिक्विड लिपस्टिक फिर से लिया है और मैं इससे फिंगर की मदद से अपनी आंखों के ऊपर हल्का 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 सा मैं इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट ब्राइट आईज बट यस फ्लैट आईज भी मुझे नहीं चाहिए, हल्का सा कलर उसके ऊपर आए। ये देखिए जस्ट लाइक दिस, अच्छा लग रहा है ना, दोनों आंखों में फर्क आपको समझ में आ रहा है, प्यारा लग रहा है ना। तो बस मुझे यही चाहिए, आई डोंट वॉन्ट अ ब्राइट आईज बट यस लिटिल बिट ऑफ कलर वो मेरे को चाहिए। तो मैं सेम प्रोडक्ट को आंखों के ऊपर भी लगा रही हूँ, आप भी इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में काजल यूज़ करिए, अगर आपको काजल यूज़ करना है, बट गो अहेड विद अ वाटरप्रूफ काजल या फिर जेल काजल, ताकि पानी से धुले ना, घुले ना, बहे ना। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मार्स का जेल काजल, और सेम जेल काजल से ही मैं आईलाइनर भी लगाऊंगी, ठीक है। लिक्विड आईलाइनर्स अवॉइड कीजिए, अगर वाटरप्रूफ है तो ही लगाइए, वरना क्या होगा अगर बारिश बुरिश आ गई तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हाय मेरा तो मेकअप ही घुल गया, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जेल आईलाइनर्स आप लगा सकते हैं, जेल काजल से आप लगा सकते हैं। मैं ऑफलाइन इसको फिल करके वापस आती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लगाएंगे एक बढ़िया सा वाटरप्रूफ मस्कारा। भाई देखो मॉनसून सीजन में ये कुछ स्टेप अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो आपका मेकअप बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत लाइट वेट होने वाला है और आप वाकई में कमाल के लगने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप और बहुत अहम स्टेप है अपने पूरे फेस को सेट करना, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का ये ऑल डे मैट कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये एक ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर है। तो आप कोशिश करिए कि एक ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करें। ये देखिए ये साइड मेरा बिल्कुल मैट हो गया, जबकि ये साइड में अभी हल्का हल्का ऑयल आना शुरू हो गया है ना, फ़र्क दिख रहा है ना आपको। तो मैं सेम इस साइड को भी इस कॉम्पैक्ट से सेट कर रही हूँ। सो जैसा मैं कह रही थी कि हो सके तो आप एक ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट ले लें तो आपके समर्स में भी काम आ जाएंगे और मॉनसून में भी काम आ जाएगा। और मैं इससे पूरे फेस को ही सेट कर लूँगी कुछ इस तरह से, अपने हेयरलाइन को भी, और हाँ नेक और गर्दन के एरिया को तो बिल्कुल भी मैं मिस नहीं करती, तो आप भी मत करना वरना अलग अलग कलर लगेगा। ओके अब फॉर लिपस्टिक, अब फॉर नेक्स्ट कह रही थी, नेक्स्ट इज माई लिपस्टिक। सो सेम कलर मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक के लिए भी, ये मैंने वेट एंड वाइल्ड का कैट सूट वाला लिपस्टिक लगाया है गिव मी मो का, सेम मैंने ब्लशर के लिए भी इसी को यूज़ किया था आंखों के ऊपर भी, ठीक है। इससे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। भाई अब क्या है मॉनसून में ना लाउड कलर्स थोड़े से ऑफ लगते हैं कई बार, वैसे आपकी इच्छा है आप डार्क कलर लगा सकते हो, बट मेरे लिए ये अहम स्टेप है मॉनसून में। ट्रस्ट मी हल्के कलर्स अच्छे लगते हैं, गर्मियों में भी हल्के कलर्स अच्छे लगते हैं। तो मैं थोड़ा सा कंसीलर ले रही हूँ अपने फिंगर के ऊपर और जस्ट मैं इसको डैब डैब कर रही हूँ जस्ट लाइक दिस एंड सी वल्ला
क्या बढ़िया कलर निखर के आया है ना, कमाल का। वैसे आपकी इच्छा है, अगर आपको डार्क लिप्स चाहिए तो आप वापस से इसको थोड़ा सा कलर ऐड ऑन कर सकते हो या कंसीलर को आप स्किप कर सकते हो। मेकअप का अहम स्टेप, मेकअप कम करो या ज़्यादा करो, एक मेकअप फिक्सर से फिक्स करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो मैंने यहाँ पर मेकअप फिक्सर लगा लिया है, इससे मेरा मेकअप जो है, मैंने जितना भी प्रोडक्ट लगाया है, बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा, ठीक है, टस से मस नहीं होगा। सो ये मैंने पहन लिए हैं एसेसरीज अपने, और ट्रस्ट में ये मिनिमल एसेसरीज और मिनिमल मेकअप लुक ही बहुत अच्छा लगता है इस मौसम में। भैया बाल खोलने की हिम्मत मैं तो बिल्कुल नहीं करती, तो मैंने तो ये टॉप बन बना रखा है, और आपको अच्छा लगता है तो आप बाल खुले रख सकते हैं। और बस कुछ ऐसे ही ये मेरा फिनिश लुक है। सो इस सीज़न में ऐसे शिफॉन टॉप्स, मिनिमल ज्वेलरी और इस तरह से बंधे हुए बाल ही मुझे अच्छे लगते हैं। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हैं, बट बहन मेरी बात मानो, यही मेकअप आपके काम आने वाला है इस मानसून में। दूसरे सारे हैवी हैवी मेकअप्स तो आप बिल्कुल भूल ही जाओ, ठीक है। क्लोज लुक आपको दिखाती हूँ, कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो करना चाहो लिंक मिल जाएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।